Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about plant cell. आज हम लोग बात करेंगे plant cell के बारे में. और अगर अभी तक आप लोगों ने channel को subscribe नहीं किया, तो first of all, आप लोग channel को subscribe जरूर कर लें. तो friends, हम लोग start करते हैं. जो हमारी plant cell है, आज जो हमारे plant cell के साथ में जो यूनिक फीचर्स जुड़े हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो प्लांट सेल के साथ में हमारे बहुत सारे यूनिक फीचर्स यहाँ पे जुड़े हैं. और जो हमारी प्लांट सेल होती है वो आप लोगों को पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल होती है. प्लांट सेल जो है वो हमारी एक यूकैरियोटिक सेल है. और यूकैरियोटिक सेल के सभी जो फीचर्स हैं वो हमारी प्लांट सेल कंटेन करती है. तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं. अ सेल वॉल आउटसाइड द प्लांट सेल मेम्ब्रेन विच कंपोज ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड इन मैनी केसेस लिग्निन. ठीक है, तो ये एक यूनिक यहाँ पे फीचर है प्लांट सेल के साथ में जो हमारा यहाँ पे जुड़ा है. फर्स्ट हमारा ये यहाँ पे एक पॉइंट है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इनक्लोज बाई अ मेम्ब्रेन नोन एज द टोनोप्लास्ट विच मेंटेन्स द सेल ट्रगर कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोसोल सॉरी एंड सैप स्टोर्स यूजफुल मटेरियल्स एंड डाइजेस्ट वेट्स वेस्ट प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनल्स. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट था. और आप लोग जानते भी हैं कि जो हमारी प्लांट सेल होती है, हमारी प्लांट सेल के पास में वैक्यूल होते हैं और वैक्यूल पाए जाते हैं हमारी प्लांट सेल में. तो ये जो वैक्यूल हैं इनका क्या फंक्शन है, ये हमारा इस पॉइंट में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया. आप लोग इसको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल सेल कम्युनिकेशन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. अब अगर हमारी जो एक प्लांट सेल है, जब वो हमारी दूसरी प्लांट सेल के साथ में कम्युनिकेट करती है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक स्पेशलाइज ब्रिज की जरूरत होती है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन ब्रिज भी बोल सकते हैं. ठीक है, और इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं. इसके लिए हम लोग ये अपना स्पेसिफिक जो एक टर्म है इसको हम लोग यूज करते हैं इन जर्नल. तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं. पोर्स इन द प्राइमरी सेल वॉल थ्रू विच द प्लाज्मा लेमा एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स सच एज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल. जो प्लांट सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट हमारा पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है. और क्लोरोफिल आप लोगों को पता है कि एक इसेंशियल पिगमेंट है या एक इसेंशियल फैक्टर है. ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म. फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म जो होता है हमारी प्लांट सेल में होता है. और इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारी जो प्लांट सेल होती है वो अपना जो उसका फूड होता है उसको वो मेक करती है, उसकी मेकिंग करती है. वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट सेल अपना फूड बनाती है. और फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोगों को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. सनलाइट के प्रेजेंस में ही जो हमारी प्लांट सेल होती है वो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म को ऑपरेट करती है और अपना जो फूड है और अपनी ग्रोथ के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए जो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज ऑपरेट होते हैं, उन सभी मेटाबॉलिक पाथवेज को हमारी प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट करती है. तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. अमाइलोप्लास्ट्स फॉर स्टार्च स्टोरेज. और अमाइलोप्लास्ट जो हमारी प्लांट सेल के पास में होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है या ये एक तरह से एक इसेंशियल फैक्टर है कि स्टार्च को स्टोरेज करने के लिए. और ये जो हमारा पॉइंट है ये कई बार हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है, हमारे CSIR नेट एग्जाम में पूछा गया है लाइफ साइंसेज स्ट्रीम में, और हमारे DBT JRF एग्जाम में ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, और हमारा GNU CEE भी जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी ये पॉइंट जो है कई बार आया है. तो आप लोगों को इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. इस पॉइंट को आप लोगों को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलियो
प्लास्ट्स फॉर फैट स्टोरेज. इलियोप्लास्ट जो है हमारा ये फैट स्टोरेज के लिए होता है, जैसे हमारा अमाइलोप्लास्ट हमारा प्लांट सेल में स्टार्च स्टोरेज के लिए होता है, सेम एज ऐसे ही लाइक दैट हमारा जो इलियोप्लास्ट्स हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट स्टोरेज के लिए. और फैट जो है ये आप लोग जानते हैं कि इसेंशियल कंपाउंड होता है, एक इसेंशियल बायोमोलिक्यूल होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो हमारे इसी बायोमोलिक्यूल की हेल्प से हमारी जो प्लांट सेल है वो करती है. और एटीपी आप लोगों को पता है, एटीपी जो है वो इसेंशियल एक तरह से फैक्टर है, इसेंशियल एक मॉलिक्यूल है हमारी प्लांट सेल के जो हमारी ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए. ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट्स. क्रोमोप्लास्ट जो है टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो है वो टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी में कन्फ्यूज ना हो और सभी टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, देन उनके साथ में आप लोग डील करें. तो क्रोमोप्लास्ट्स फॉर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पिगमेंट्स हो सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेशलाइज्ड परोक्सीजोम कॉल्ड ग्लाइओक्सीजोम फॉर द ऑपरेशन ऑफ ग्लाइओक्सिलेट साइकिल. ग्लाइओक्सिलेट साइकिल जो है वो हमारी प्लांट सेल में ऑपरेट होता है. और ग्लाइओक्सिलेट साइकिल पे पहले से चिकीज बायोलॉजी चैनल पे एक वीडियो जो है वो अवेलेबल है, और उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है कि ग्लाइओक्सिलेट साइकिल क्या होता है. तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं. उस लिंक को अगर आप लोग वहां पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो वीडियो खुल जाएगी यूट्यूब पे, और आप लोग उस वीडियो को अच्छे से वहां पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के बारे में आप लोग नॉलेज को वहां पे आप लोग एक तरह से अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइटोकाइनेसिस बाय फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रैगमोप्लास्ट एंड सेल प्लेट्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स इन एमटीओसी दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. जो हमारे जो यहाँ पे सेंट्रियोल्स इन एमटीओसी हमारा जो है वो हमारा प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, और जो हमारी एनिमल सेल्स होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है. तो ये पॉइंट भी कई बार जो है हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, और यहाँ से भी हमारा इस पॉइंट से हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं. तो आप लोग इस पॉइंट को भी यहाँ पे हल्के में मत लें, इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करें. एमटीओसी ये पॉइंट जो है कई बार हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी और हमारे अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे पूछा गया है. तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी. जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सभी पॉइंट्स वो सभी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे, और ये वीडियो आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए या आप लोगों की प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी, आई होप सो. तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने क्लीग्स को. तो सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ. और इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है हमारा और जो हमारे चिकीज बायोलॉजी के ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक है वो आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा ही प्रोवाइड कराता हूँ. तो आप लोग वहाँ पे लिंक को आप लोग क्लिक कर सकते हैं, देन मेरे साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के साथ और चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ. सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर watching.